हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग वीडियो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारा है होली डे, होली इवेंट का जो मैं दो तीन दिन से पोस्टर बैनर और वीडियो जो डाल रहा था, तो वो फाइनली वो दिन आ गया है। तो आज हम लोग सब चलेंगे होली मिनल के समारोह पे, जो हम लोग इवेंट करवा रहे हैं भाटा गांव पे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। मॉर्निंग हो चुका है, 10 बज चुके हैं। तो चल के आपको दिखाता हूँ किस तरह का सेटअप रहने वाला है, और फुल इंजॉय करेंगे भाई सब मिल के। पूरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा हर चीज़। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अभी सेटअप हो चुका है, क्या क्या होना बाकी है, और वहाँ क्या क्या देखने को आप लोग को मिलेगा। हो सकता है वहाँ वॉइस ओवर में मैं वॉइस ओवर करूँगा, क्योंकि डीजे के साउंड के नाम से आपको मेरी वॉइस सुनाई नहीं देगी। तो मिलते हैं, आगे चलते, लेट्स गो। मैं जस्ट निकलने वाला था भाई, और सुबह सुबह हमारे साथ हो गया है मजाक। हमारी गाड़ी हो गई है फिलहाल पंचर, और रही बात हमारी ब्यूटी की, इसकी तो इसको फ़िलहाल तो होली इवेंट में नहीं ले जाने वाला, क्योंकि भाई कलर कलर कराने का मेरे को कोई इच्छा नहीं है। तो फिलहाल अभी दोस्त को बुलाया हूँ, गौरव को, तो गौरव आ रहा है, फिर देन अपन चलते हैं वहाँ और आपको सब अपडेट देता हूँ। फिलहाल ये होली मिलन का अपना, मतलब बुरा ना मानो, होली है सीज़न 6 है। अपन 6 बार यहाँ पर करवा चुके हैं होली इवेंट, और हर बार सक्सेसफुल गया। रायपुर में इतनी क्राउड कहीं भी नहीं आती है जितनी यहाँ आती है। तो आपको ये चीज़ आज मैं दिखाऊंगा और फुल मज़ा आएगा। तो कंटिन्यू करते हैं भाई। गौरव आ गया, हाय करो। हाय, हेलो। आ गया भाई अपना, अब अपन निकलते हैं। चले भाई, सुबह सुबह तो नाटक हो गया। क्या नाटक हो गया? पंचर गाड़ी, बैड लक, बैड लक है। आगे वाले चले लेते हैं। तो आगे जाएंगे कि तो आपको इस तरह का पूरा एक ग्रीनरी के बीच में आपके भाटा गांव का वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। ये जो भाटा गांव में ये वाटरफॉल सिचुएटेड है, ये बहुत ग्रीनरी के बीच में, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा पार्किंग स्पेस, अभी तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए, क्रूज मेम्बर्स की गाड़ी खड़ी है फिलहाल। हम लोग आ गए हमारे स्पॉट पर, ये है भाटा गाँव वाटरफॉल, यहीं हो रहा है इवेंट। सुबह सुबह से फिर भी भीड़ आ गई है, और ये वाला पूरा पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। फिलहाल एंट्री करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा रहने वाला है। तो इस टाइप का एंट्री आप लोगों को फिलहाल देखने को मिल जाएगा गणेश भगवान का। ये टिकट काउंटर है अपना, तो यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं, जैसे ऑन स्पॉट एंट्री करना है तो आपको। तो डीजे ऐसे भी अभी स्टार्ट हो गया है, तो डीजे का साउंड आप लोग को फिलहाल बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि डीजे सेटअप फिलहाल अपना कैसे रहने वाला है। और बात करूँ तो यहाँ पे मतलब बहुत प्यारा वाइब आता है। इस भाटा गांव वाटर वर्ल्ड को कोई यूज़ नहीं करता था, बट अपन लोग यहाँ पे इवेंट करा करा के इसको पूरा अंडर रेटेड को टॉप रेटेड बना रहे हैं। मिला अपने भाई लोग से, ये अपना भाई सौरभ, हाय करो भाई। हाय, ये अपना भाई, हाय कर दो। तो इस टाइप का पूरा वाइब रहने वाला है, बहुत बढ़िया फार्म हाउस टाइप का है अपना। वाटर वर्ल्ड है, सीजी का सबसे फर्स्ट वाटर वर्ल्ड है ये। जैसा कि आप बैकग्राउंड में डीजे का वॉइस सुन सकते हैं, बस मैं जैसे पहले बताया था कि मैं ये वॉइस ओवर करूँगा, क्योंकि कॉपीराइट लगने का चांसेस रहता है यूट्यूब में। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग्स कंटिन्यू प्ले नहीं करूँगा, वॉइस ओवर्स करूँगा, और कुछ कुछ जगह में क्लिप्स में आप इन्जॉय करना कि जो पार्टीज़ वगैरह होगी। ये जो एरिया रहेगा यहाँ पर फूड स्टॉल्स वगैरह सब रहेंगे, और आपको नो स्मोकिंग जोन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आगे चल के दिखाता हूँ कि और क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे आगे जाएंगे तो डीजे तो फिलहाल स्टार्ट हो गया था जैसे मैंने बताया, तो इस टाइप का ये पूरा एरिया रहने वाला है। अभी पूल में पानी भर रहा है, फिलहाल क्लीनिंग भी हो गई है। ये रेंडास वाला इलाका रहेगा यहाँ पे, और ये पूल देख सकते हैं, एक ये छोटा सा पूल है जिसमें स्लाइड्स भी बनी हुई है। तो ये चीज़ एक बेस्ट पार्ट है, देख सकते हो 12 बेस का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, 12 बेस प्लस 6 टॉप है यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा इनफ था साउंड के लिए। और ये देख सकते हो स्टैचूज, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल था, जिसमें सेंटा क्लॉज का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ था, उसमें आप बैठ सकते थे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे आदमी आना स्टार्ट हो गए थे थोड़े 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 थोड़े, यहाँ पे लोग आना स्टार्टिंग हो गई थी, स्टार्टिंग 10:30 बजे से ही चालू हो गए थे यहाँ पे पब्लिक का आना। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर ही दिया यहाँ पे इवेंट का, थोड़ा सा गुलाल उड़ा के
देख सकते हैं एंट्री में इस टाइप का यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। स्पॉट एंट्री कैश था, तो यहाँ पे अपने आदमी और अंकल जी यहाँ पे बैठ के कैश एंट्री लेंगे। फिर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के जो जैसे सॉन्ग्स थे उसमें इंजॉय करते हुए हमारा सौरभ भाई और मैं, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ जो पब्लिक थे उन्होंने होली खेलना चालू कर दिया था, वो बेस्ट पार्ट था। हमारे भी यहाँ पे पूरे क्रू मेंबर्स आ गए थे और यहाँ पे इंजॉय करना मोमेंट स्टार्ट हो रहा था। तो आपको सब मोमेंट धीरे धीरे दिखाऊंगा, जैसे कि ये देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे आपको बैक टू बैक यहाँ पे कंटिन्यू क्लिप्स चलेंगी और बीच में हो सकता है कुछ कुछ जगह में मेरे वॉइस ओवर्स रहेंगे और एक दो जगह सॉन्ग्स भी डाल दूंगा ताकि आप देख सकें कि सॉन्ग्स के साथ यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे माहौल आपको देखने को मिलेगा। बाकी देख सकते हैं धीरे 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 ये पार्किंग अपनी पूरी भरती गई थी और इतने दूर तक भरी थी, मतलब मान के चलो 500 मीटर्स का जो रेंज था पूरा इस इलाके का, तो वहाँ तक पूरी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। हद से ज़्यादा पब्लिक आई थी, हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भी ज़्यादा ही क्राउड आ गई थी और बहुत बेस्ट इवेंट में से एक था। मैंने बहुत सारे बंदों से रिव्यू भी लिया इवेंट के बाद कि कैसा था, तो उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया था। जैसे कि देख सकते हैं अब मैं बीच में थोड़ा सा गया था तो आपको क्राउड दिखाने के लिए यहाँ पे बैक आया कि कितने लोग बैक टू बैक यहाँ पे आए ही जा रहे थे। ये 12:30 की बात है और इतनी पब्लिक भर गई थी। अब 2:30 बजे की स्लॉट्स के आप जब सॉन्ग्स और वीडियोज़ देखोगे तो नेक्स्ट लेवल का क्राउड था। इतने ज़्यादा भीड़, मतलब लोगों को इसी से मज़ा भी आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने जगह जगह गुलाल्स भी के बैग्स रख दिए थे, तो वो पब्लिक पूरे गुलाल के बैग्स को अपने साथ एंजॉय भी कर रही थी। साथ में हमारे भाई लोग भी बैठ के फुल मज़ा ले रहे थे। हमारे यहाँ पे बाउंसर की भी पूरी सुविधा थी, गर्ल्स फीमेल बाउंसर भी रखे थे क्योंकि फीमेल्स का कुछ होता है तो हम लोग को बॉयज़ बाउंसर्स में तकलीफ होती है, तो वो भी पूरा बढ़िया था। और लड़कियों के लिए भी माहौल बढ़िया था। लोगों को ज़्यादातर इशू इस चीज़ का रहता है कि लड़कियाँ सेफ़ रहेगी कि नहीं या लड़कियों के लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं, तो इस इवेंट में ऐसा कुछ इशू नहीं होता। कभी भी हमारे इवेंट में ये चीज़ को देखने नहीं मिलेगा कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसा बीस बिहेव हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। तो देख सकते हैं कि लड़कियां भी पूरी फ्रीली नाच रही थी और हम लोग भी पूरे इंजॉय कर रहे थे, तो फुल मज़ा आ रहा था भाई। और बात करोगे अगर डांस वगैरह करने की तो देख सकते हैं गुलाल इस लेवल का उड़ रहा था, मतलब आपको लगेगा कि लिटरली एक होली फेस्ट पे आप आए हो और उस टाइप का आप इंजॉय कर रहे हो। और जगह भी पर्याप्त था, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि एकदम ही ज़्यादा आपको हॉचपॉच लगने लगे, बट मतलब ये था कि आपको क्राउडेड फील होगा बट आपको मज़ा भी आया। तो आपके यहाँ पे वाटर स्लाइड्स भी देखने को मिल जाएगी, भाई लोग जैसे वाटर स्लाइड्स का यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्राउड ऊपर से कैसे दिख रहे हैं और किस टाइप का यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, जिसको सॉन्ग के साथ आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। दिस इज़ वॉट अवर इवेंट लुक्स लाइक, मतलब नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मज़ा करते हुए लोग। और ये गाना तो दिखाना बनता था, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने पे, तो भाई बनता बिल्कुल है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी ग्रुप्स यहाँ पे बिल्कुल बैक टू बैक इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैक टू बैक आपको क्लिप्स चलाऊंगा तो आप वो सब देखते जाइएगा। अभी थोड़ा सा वॉइस ओवर बंद करता हूँ, तो विदाउट वॉइस ओवर अगर आपको मज़ा है तो बेस्ट है, बट अब उसको मैं दिखा भी नहीं सकता, थोड़ी सी मेरी मजबूरी है कि कॉपीराइट का थोड़ा सा इशू आ जाता है यूट्यूब में, तो तब तक आप थोड़ा सा इंजॉय करो, फिर बीच बीच में अगर कुछ लगता है तो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो ये जो क्लिप्स है वो है बेस्टेस्ट टाइम का, मतलब आपका 2:30 बजे की क्लिप। आप क्राउड देख सकते हो, मतलब भाई कौन से पूल में बंदे नहीं है और नाच नहीं रहे। हम लोग तो देखो डीजे के साइड में भी बंदे, लेफ्ट में बंदे, राइट में बंदे, आगे बंदे, पीछे बंदे, ऐसे हो गए थे, मतलब पूरी ग्रुप्स और इतनी इंजॉय कर रही थी जैसे छोटे पूल, बड़े पूल, रेन डांस एवरीवेयर, मतलब कहाँ नहीं थे बोलो भाई, मतलब हर जगह बंदे थे और पीपल इंजॉयिंग लाइक
क्रेजी मैन, मतलब मज़ा आ रहा था यार, देख के भी मज़ा आ रहा था। हम लोग तो क्रू मेंबर्स थे तो कंटिन्यू, मतलब हम लोग वॉचिंग में ही थे, तो इतना जो मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग की जो प्राइवेट पार्टी होगी वो आपको दिखाऊंगा हर साल का है कि हम लोग बीच में मतलब थोड़े बहुत इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ, बट तो उसके बाद हम लोग करते हैं कि इवेंट के लिए हम लोग जैसे थोड़ा सा सब क्रू मेंबर्स को रहना ज़रूरी रहता है तो वैसे हम लोग रहते हैं, देन अपन लास्ट में प्राइवेट पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे अपन थोड़ा मोइतो पीते हुए, पूरा ये सेक्शन आपका फूड स्टॉल है, तो यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन भी था, एक स्मोकिंग जोन भी बना हुआ था, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और साथ में ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं फूड स्टॉल की बात कर रहा था, तो वहाँ पे सब चीज़ लग जाता, आपको मैगी वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाता, खाने वगैरह भी मिल जाता, मैगी समोसा भजिया ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, प्लस यहाँ पे मोजिटोज़ भी आपको देखने को मिल जाते, और स्मोकिंग जोन भी यहीं पे था, तो आप स्मोकिंग जोन जैसे कोई स्मोकर्स है तो उनको भी बेस्ट था, यहाँ पे अलग से जोन दे दिया गया था। फिर यहाँ पे फिर हमारे थोड़े से फ्रेंड्स लोग यहाँ पे सब इंजॉय करते हुए लगे हुए हैं भाई, मतलब फुल होली मनाना है करके जो वाइब्स बना के आए हुए थे। इस टाइप का यहाँ पे चेंजिंग रूम भी था बॉयज़ का और गर्ल्स का, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि गर्ल्स कहाँ चेंज करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। ये हमारे क्रू मेंबर्स फुल एंजॉय करते हुए, हमारे क्रू मेंबर्स अलग लेवल का एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे एंजॉय का कोई पार्ट नहीं छोड़ते, मतलब मस्ती के साथ यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का यहाँ पे मस्ती चल रहा है पूरे क्रू मेंबर्स का। तो ये एक बेस्ट पार्ट रहता है कि हम लोग सब फ्रेंड्स यहाँ पे मिलते भी हैं और फुल एंजॉय करते हैं, और उस चीज़ को मतलब लिव द लाइफ जो बोलते हैं वो वाला पार्ट रहता है, तो बहुत बेस्ट रहता है ये देखने को, हमेशा मिलता है हर इवेंट में, हम लोग सब मिलते हैं फुल मस्ती करते हैं। फाइनली इवेंट हो गया है ख़त्म, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, सब चीज़ डिस्क्राइब किया होगा, और जितने अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की इतने अच्छे से कोई कर भी नहीं पाता, बहुत ही टॉप लेवल का नॉच का यहाँ पे हर साल हम लोग यहाँ पे होली इवेंट मनाते हैं श्री गणेश इवेंट के नाम से। ज़्यादा रीजनेबल रेट में ये इवेंट होता है, और आप क्राउड तो देख ही सकते थे, एटलीस्ट नहीं में सबसे ज़्यादा क्राउड यहीं पर आती है इवेंट के नाम पर, तो सबसे बेस्ट ये रहता है, तो अपन चलने की कोशिश करेंगे। हो गया फिलहाल हमारा इवेंट ख़त्म, हमारे भाई लोग का हो गया है, कर दो है, कर दो है, करो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हाँ वो लाइक वो बता दी। तो अपना होली पार्टी फिलहाल हो गया है यहाँ पे ख़त्म, अब क्रू मेंबर्स का यहाँ पे पार्टी होगा थोड़े देर बाद, तो अभी अपने भाई लोग को सब जो ऑफिशियली ज़्यादा नहीं दिखा सकते, बट थोड़ा बहुत क्लिप आप लोग को शेयर कर दूंगा, और बाकी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो ये इवेंट हर साल होता है, तो आप रायपुर खेलेगा होली सीज़न 7 का आप वेट करिए, सीज़न 7 भी कुछ दिनों में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो मिलते हैं उसमें। चलो भाई, तो फिलहाल अपन निकल रहे हैं इवेंट के बाहर, हो चुका है आज अपना इवेंट ख़त्म, चलते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।